मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले क्रीड़ा दिवस की तैयारियों को लेकर आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने जनपद में संचालित 10 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं की संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए दिए निर्देश। सपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम की अध्यक्षता में लोक बंधु राज नारायण की जयंती के अवसर पर बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में जुबली इंटर कॉलेज के बाहर हुए अतिक्रमण को करवाया खाली, वसूला जुर्माना, कहा आगे भी चलता रहेगा अभियान। आज के जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर टीचर प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, 22 ब्लॉक के टीचर ले रहे हैं भाग, विजयी टीम को किया जाएगा सम्मानित। पुलिस ऑफिसर्स कार्यालय पर मनाया गया झंडा दिवस, सभी पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को लगाया फ्लैग पिन। स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू बाबू की मनाई गई 7वीं पुण्यतिथि, वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनई महू राव गोरखपुर के प्रांगण में किया गया पुण्यतिथि का आयोजन। गोरखपुर पुलिस ने भू माफिया कमलेश यादव के सहयोगी दीनानाथ प्रजापति के अवैध निर्माण पर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस की मौजूदगी में जीडीए के प्रवर्तन दल ने भू माफिया दीनानाथ प्रजापति के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। अभी चंद रोज पहले ही जिला प्रशासन ने भू माफिया कमलेश यादव और उसके सहयोगी दीनानाथ प्रजापति की करोड़ों की बेनामी संपत्ति को किया था जब्त। गोरखपुर में ढोल नगाड़े के साथ निकाला गया छठ माता का भव्य जुलूस, राजघाट स्थित कृत्रिम पोखरे में किया गया विसर्जित।